यहाँ के सभी जितने भी हैं छोटे से बड़ा सब। शनिवार देर शाम निजी चिकित्सालय में एक इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने यहां पर जमकर हंगामा किया और समझाइश करने आए डॉक्टरों के ऊपर जबरदस्त मारपीट की है। इसके साथ ही आज दूसरे दिन रविवार को यहां शहर के सारे जो निजी चिकित्सालय हैं वो बंद हैं और IMA के बैनर तले सारे डॉक्टर्स यहाँ पर IMA मीटिंग कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है IMA के जिला डॉक्टर दुष्यंत जी शर्मा, उनसे जानना चाहते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस प्रकार आगे की रणनीति रहेगी। जी सर, चिकित्सक रोगी का इलाज करता है और उसमें हरदम सफलता मिले ये रोगी की गंभीर स्थिति के बारे में डिपेंड करता है। डॉक्टर पांड्या ने अपना भरसक प्रयास किया, उसके बाद भी अगर वो उस बच्ची को नहीं बचा पाए तो उसमें चिकित्सक लापरवाही नहीं है। फिर भी परिजन आक्रोशित हो गए, डॉक्टर पांड्या ने IMA को आह्वान किया, उसके तहत हम कुछ डॉक्टर समझाइश करने पहुँचे, परंतु कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे डॉक्टरों पे जानलेवा हमला किया और उस हमले में मेरे कई साथी घायल हो गए और अगर वो जान बचा के नहीं भागते तो कुछ भी हादसा हो सकता था। इसकी हम सब लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा भीलवाड़ा जिले की सभी चिकित्साएं सेवाएं स्थगित रहेगी, ठप रहेगी। डॉक्टरों पर आए भी हमले होते हैं, पहले भी ऐसे मामले हुए हैं, तो क्या डॉक्टरों की पुलिस क्या कारण है कि ऐसा मजबूत तत्वों के हौसले बुलंद होते हैं? बेसिकली चीज़ें जो हम देखते आ रहे हैं पिछले इंसिडेंट से हुए हैं उनमें भी ये चीज़ सामने आई है कि मामला वही रहता है कि पुलिस आने के बाद भी भीड़ इकट्ठा होती रहती है और पुलिस प्रशासन हमारा जो है सहयोग करने के बजाय उनका जो है भीड़ को इकट्ठा होने देती है, जब तक वो आक्रोशित नहीं हो जाती है, जब तक मामला नहीं पड़ता तब वो मामला खत्म नहीं करते। कल के मामले में 4 घंटे तक जो है सारा भीड़ इकट्ठी होती रही और जब तक वो आक्रोशित हो गए और जब मामला इतना बड़ा नहीं तब तक जो है पुलिस प्रशासन ने अपना एक्शन नहीं लिया। तो हमारी मांग ये है कि पुलिस प्रशासन उस एक्शन को फटाफट से ले और एक फिक्स प्रोटोकॉल बनाए कि ऐसी आए दिन जो घटनाएं होती रहती है उसको जो है, क्योंकि भीलवाड़ा जिला इतना बड़ा है आए दिन कुछ से कुछ होता रहता है और चिकित्सक अपनी पूरी प्रयास करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि हर मरीज को बचा सके, क्योंकि भगवान नहीं है। ठीक है, भगवान का दर्जा भले ही दे रखा हो पर भगवान नहीं है। आपने देखा कल भगवान के ऊपर भी जो है आम इंसान ने हमला कर ही दिया और हमारे जो मित्र हैं डॉक्टर हरीश कुमार उनको फ्रैक्चर हुआ, गंभीर फ्रैक्चर हुआ, आई थिंक उनकी बॉडी में कितना मूवमेंट आएगा हमें नहीं पता। ठीक है, पर जो है ये अपने आप में बहुत निंदनीय है और जब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकलता कुछ तब तक हम लोग सब टाइटमैन हैं और कोई चिकित्सीय कार्य नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो जिस प्रकार हमने रात को देखा कि करीब आधा दर्जन डॉक्टरों पर जानलेवा हमला किया गया और इसमें एक डॉक्टर हरीश मारू का पूरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, साथ ही चिकित्सक संगठनों में डेंटिस्ट एसोसिएशन भी IMA के साथ खड़ी है। डेंटिस्ट एसोसिएशन के राजा साहब वैष्णव, उनसे जानना चाहते हैं कि वो आगे किस प्रकार की प्रशासन से मांग करते हैं। जी सर, कल की घटना अत्यंत निंदनीय घटना है और जिस तरह से एक डॉक्टर के ऊपर हमला किया गया है ये अत्यंत निंदनीय है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन IMA के साथ खड़ी है और मेरा एक प्रशासन से निवेदन है कि इस तरह से जो समाज के अंदर घटनाएं हो रही हैं उसको पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है हमारा स्टैंड बरकरार रहेगा और सारे भीलवाड़ा के जो हॉस्पिटल्स बंद है उसमें हमारा भी इंडियन डेंटल एसोसिएशन हम साथ हैं। बिल्कुल, तो हमने देखा कि डॉक्टरों पर हमले के विरोध में आज भीलवाड़ा जिले के जितने भी निजी चिकित्सालय हैं सारे बंद हैं और IMA के बैनर तले यहाँ पर सारे डॉक्टर IMA हॉल के अंदर मीटिंग कर रहे हैं और साथ ही जिला कलेक्टर को ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। समस्त जो चिकित्सक हैं उनकी एक ही मांग है कि हमलावरों के ऊपर गिरफ्तारी की जाए और उन्हें सिक्योरिटी दी जाए कि दोबारा इस प्रकार के कोई हमले नहीं हो। इंडिया न्यूज़ के लिए भीलवाड़ा से मैं प्रहलाद तेली।